तो कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप सीएससी आईडी का पासवर्ड नया बनाना चाहते हैं, या अगर आपका पासवर्ड भूल गया हो, आपने जो पासवर्ड बनाया है वो आपको याद नहीं हो, तो उसके लिए आप नए पासवर्ड कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल के साथ बताऊंगा क्योंकि न्यू पासवर्ड जनरेट कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आया हुआ बेल आइकन को और सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डिजिटल सेवा कनेक्ट यह वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट पे आकर आप लॉग इन करते हैं, जो कि यूजर नेम पासवर्ड या कैप्चा डालकर साइन इन करते हैं। तो अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो उसके लिए आपको नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो आप गूगल में जाएंगे, कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे सी एस सी एंड सर्च कर देंगे। सर्च करते ही फ्रेंड्स आपको डिजिटल सेवा पोर्टल जो कि सबसे टॉप में आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन होगा लॉग इन करने का, तो यहाँ पे लॉग इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है यूजर नेम एंड यहाँ पे जो पासवर्ड है, पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा टाइप करने के बाद साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो प्रोफाइल है आपका आईडी से खुल जाता है। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस है फॉरगेट पासवर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जो कि नए पासवर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम जो कि आपका जो सी एस सी आई डी है वो आई डी यहाँ पे टाइप करेंगे, और यहाँ पे जो है और यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करेंगे। तो ईमेल आईडी वह टाइप करेंगे जो आपने सीएससी के रजिस्ट्रेशन करते समय, यानी कि सीएससी आईडी लेते समय जो ईमेल आईडी आपने दे रखा है वह ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम एंड यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने तो यहाँ पे टाइप कर दिया है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो कैप्चा है ये इस बॉक्स में टाइप कर दिया है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन है गेट ए न्यू पासवर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा गया है, और वहाँ पे जाकर अपना पासवर्ड नया बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने ईमेल आईडी को ओपन करेंगे, जो कि मैंने याहू ईमेल आईडी दिया था, जीमेल का नहीं दिया था। तो जो भी आपका है आप यहाँ पे ईमेल आईडी का ओपन करेंगे, तो यहाँ पे याहू का मैं दिया था तो यहाँ पे याहू ओपन किया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैसेज आ चुका है, लिंक आपको भेज दिया जाएगा, जस्ट आपको भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है नो रिप्लाई, उसके बाद एट द रेट लिखा हुआ है, सी एस सी गवर्नमेंट है लिखा हुआ है ऑप्शन है, तो यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट पासवर्ड, उसके नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू क्रिएट पासवर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा एंड यहाँ पे रीसेट योर पासवर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू पासवर्ड एंड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे वैसे पासवर्ड डालेंगे जो आप नया अपने मन से बनाएंगे, जैसे कि आपका नाम है रंजन, तो यहाँ पे कैरेक्टर में आर लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल लिखेंगे, आर ए जे ए एन एट द रेट लगाएंगे, और आपका जो भी लास्ट में नंबर आपका है वो नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना होता है। यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक पासवर्ड बना लेंगे, जो कि यहाँ पे न्यू पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है, और यहाँ पे सेम पासवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, यानी कि इस बॉक्स में जो पासवर्ड टाइप करेंगे सेम पासवर्ड आपको इस बॉक्स में टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज पासवर्ड है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं योर पासवर्ड सक्सेसफुल रीसेट, तो यहाँ पे रीसेट हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना सी एस सी आई डी का पासवर्ड नया बना सकते हैं, और फिर से यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप अपना न्यू पासवर्ड जो बनाया है वह पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कैप्चा है वह कैप्चा इस बॉक्स में टाइप करेंगे। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे साइन इन है, साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे, आपका सी एस सी आई डी लॉगिन हो जाएगा, जो कि इस तरह से आपको देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पे जो है आपका जो आईडी है पासवर्ड जो है बन चुका है, और इस नया पासवर्ड से ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने सी एस सी आईडी का न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो साथ, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।